मंगलवार को महानगर के एक 5 सितारा होटल में भारत की पहली बहुभाषी फिल्म 3 Smoking Barrels के ट्रेलर का प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में हिंदी एवं अंग्रेजी समेत 6 भाषाएं बोली गई हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में इंद्रनील सेन गुप्ता एवं सुब्रत दत्ता समेत कई कलाकारों ने काम किया है। फिल्म के निर्देशक संजीव दे एवं अभिनेता इंद्रनील सेन गुप्ता और सुब्रत दत्ता ने सन्मार्ग से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, 3 Smoking Barrel जो एक फिल्म है जो पूरी नॉर्थ ईस्ट में सेट हुई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो मेरा फिल्म का टैगलाइन है, स्टोरीज फ्रॉम फार ईस्ट इंडिया। तो ये फिल्म जो है एक्चुअली बेसिकली एंथोलॉजी है, 3 स्टोरीज है उसमें। और ये 3 स्टोरीज जो है 3 स्टेजेस है ह्यूमन लाइफ, उसके ऊपर डिपिक्ट किया हुआ है। जैसे चाइल्डहुड है, बॉयहुड है, मैनहुड है, और 3 सोशल इश्यूज़ हमने टैकल किया वहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ सोशल इश्यूज़ की फिल्म नहीं है, इमोशनली टच करने वाली, ह्यूमन रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट करने वाली फिल्म है। सोशल इश्यूज़ का रिफ्लेक्शन ह्यूमन रिलेशनशिप के ऊपर क्या पड़ता है उसके ऊपर है। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को एक्सप्लोर किया गया, जो पहली बार शायद इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में नॉर्थ ईस्ट को इतनी एक्सक्लूसिवली एक्सप्लोर किया गया। एक मणिपुरी फिल्म आती है, या असामीज फिल्म आती है, बंगाली फिल्म आती है, तो एक कल्चर दिखता है उसमें पर्टिकुलर। ये एक प्लेटर है आपके लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसी है। देखिए, मैं इसमें जो कैरेक्टर कर रहा हूँ उसका नाम है मुख्तार, जो बांग्लादेश से भाग के उद्वास्तु या रिफ्यूजी कह सकते हैं, और जिसके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, जो आजकल बहुत चल रहा है, ना कोई वोटर कार्ड है, और कैसे वो पोचर के चक्कर में पड़ता है, और कैसे उसको उन लोग सो कॉल्ड जो कोट अनकोट जो गून्स बा विलेंस जो लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है। दिस इज़ द अबाउट माई कैरेक्टर। और इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के 3 स्टेजेस दिखाया गया है, चाइल्डहुड, बॉयहुड और मैनहुड, इसीलिए इसका नाम है 3 Smoking Barrels। देखिए, इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे सब्जेक्ट में एक मूवी बनाई जा रही है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो उससे एसोसिएट होकर तो मुझे खुशी है डेफिनेटली। एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत अच्छी जगह पे शूट किया, हम लोगों ने भूटान बॉर्डर पे शूट किया एकदम, जो कि थोड़ा सा ट्रबल्ड एरिया है, और उसमें शूट करना, लेकिन ब्यूटिफुल लोकेशंस हैं, लेकिन रीजन जो है वो ट्रबल्ड है। सो इसका कॉम्बिनेशन और वहाँ पर काम करने का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस हमारा टीम बहुत अच्छा था, हमारी यूनिट बहुत अच्छी थी, एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ संजीव दे एज द डायरेक्टर, बिकॉज आई थिंक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस फिल्म को बनाने की कोशिश करी है। एंड वी हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस।